सोचता हूं आपको एक कहानी सुना, दूरदर्शन की दुनिया में वापस ले जाऊं। वो सौम्य चेहरा जिसकी आवाज सुनने के लिए पापा से लड़ाई करता था। पापा पापा, मुझे दूरदर्शन पर नीलम शर्मा जी को देखना है। तब मैं सोचा करता था कि कभी दिल्ली जाऊंगा तो नीलम जी से जरूर मिलूंगा। मौका मिला भी। 2004 में जब मैंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा तो उसी दूरदर्शन में नौकरी मिली जिसमें काम करने की बरसों से तमन्ना थी। पहली बार जब न्यूज रूम में नीलम शर्मा जी को देखा तो ऐसा लगा मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। नीलम शर्मा दूरदर्शन की संस्थापक एंकरों में से एक थी। उन्होंने 1995 में दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत की और 20 साल तक चैनल के साथ जुड़ी रही। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की रहने वाली नीलम शर्मा ने कई मशहूर कार्यक्रमों का संचालन किया। बड़ी चर्चा और तेजस्विनी जैसे कार्यक्रम से वो घर घर में फेमस हो गए। मुस्कान भरा चेहरा और जनता के हितों को मुखरता से उठाना नीलम जी की पहचान बन गई थी। नीलम जी जैसा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता, न सिर्फ दूरदर्शन में डीडी न्यूज में, बल्कि मैं कहता हूँ कि उनकी एंकरिंग में, उनके जो वो प्रोग्राम करती थी उनमें जो एक सादगी के साथ जो गरिमा थी वो जो है मुझे लगता है कि आज के दौर में किसी भी एंकर में वो है नहीं। नीलम शर्मा जनता के मुद्दों पर बेबाक राय रखती थी। दूरदर्शन पर तेजस्विनी शो में नीलम जी का अलग ही तेज नजर आया। इस शो में नारी शक्ति की उपलब्धियों पर बात हुई और इसने देश की आधी आबादी को कुछ करने के लिए प्रेरित किया। नीलम शर्मा को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित भी किया गया। नीलम शर्मा का स्वभाव इतना सरल था कि वो हर किसी के साथ बहुत जल्द घुल मिल जाया करती थी। नीलम मैम की कमी आज भी हमको बहुत खल रही है। हमको क्या, हम पूरे दूरदर्शन को खल रही है। और मुझे याद है कि 2006 में जब मैं पहली बार दिल्ली आया और दूरदर्शन मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरी मुलाकात नीलम मैडम से हुई थी और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। नीलम शर्मा ने अपने पूरे करियर के दौरान अपनी एक अलग पहचान बनाई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस के दौरान उनकी संजीदगी और साफ बोई ने लोगों को अपना मुरीद बना लिया। वक्त का कारवां आगे बढ़ता रहा, न जाने कब कैंसर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। मौत से संघर्ष चलता रहा और आखिर में 17 अगस्त 2019 को नीलम शर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्रकारिता के पुरखे सीरीज में नीलम शर्मा को न्यूज इंडिया परिवार श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।